इसको चलते हुए 2 महीने के करीब हो गए हैं, जो शाहीन बाग से शुरू होकर यहाँ लखनऊ के घंटाघर और अब यहाँ पर स्टार्ट है और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है ये हमारा। क्या गवर्नमेंट में कुछ बदलाव दिख रहा है? नहीं बताओ। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगी है और हर वो काम कर रही है कि जिससे देश हमारा खोखला हो रहा है। तो ये NRC का जो शोर है वो दरअसल बहुत बड़े बड़े मुद्दों को छुपाने की साजिश है। ये NRC के शोर में हर वो बड़ा मुद्दा दबा देना चाहते हैं जिस पे जनता इनसे कोई सवाल ना कर सके। गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे, संदेश तो दिल्ली के रिजल्ट ने दे दिया, अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो वो उससे पता चल जाएगा। अगर वो इससे नसीहत लेते हैं और अगर कोई हुक्मरान हम लोगों की बात सुनता है तो ये उसके लिए बेहतर है। हमने तो अब तवक्को छोड़ रखी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, तो हमने जो कदम निकाला है वो उनके कदम को देखकर नहीं निकाला है कि अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो हमारे कदम भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली के रिजल्ट आए हैं, जिस तरीके से दिल्ली की जीत पे वो शर्मिंदा हैं और जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हमारे अगर इस तरीके की बयानबाजी ना हुई होती तो ये रिजल्ट नहीं आते, तो अभी तो ये स्टार्टिंग है। अभी तो दिल्ली से जिस तरीके से हमने प्रोटेस्ट शाहीन बाग से शुरू किया था, इसी तरीके से जीत भी दिल्ली में हमने दर्ज कराई है और इसी तरीके से पूरा देश जीतेंगे। क्योंकि अगर मेरी सरकार मेरी आवाज़ सुन रही है तो वो सुन ले, क्योंकि अगर महिलाओं ने जब जब एकता से काम लिया है तो ना जाने कितनी सरकारों को बना दिया है और ना जाने कितनी सरकारों को तख्तों से नीचे उतार दिया है। तो ये महिला शक्ति जो है वो अपने पूरे मनोबल के साथ, पूरे जोश के साथ अपने काम में लगी है और इसी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर। जहाँ जहाँ भी खवातीन ने एजिटेशन किया है वो शाहीन बाग के बाद किया है, तो इसलिए शाहीन बाग 2, शाहीन बाग 3, शाहीन बाग 4 जहाँ भी है वो शाहीन बाग के नाम से प्रचारित है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है, अभी लोग 1-2 महीने से प्रोटेस्ट जारी है पूरे हिंदुस्तान में, गवर्नमेंट में कुछ बदलाव आया नहीं आया? नहीं, अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। उसकी ऑफिशियल जो साइट है या उसके जो प्रवक्ता है क्या कहता है? अभी तक सरकार के रवैये में बदलाव नहीं आया। उसने वार्ताकार एक कमेटी बनाई है जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट करने वालों से बात आज किया है, उसने उसका नतीजा नहीं निकाल, जितनी सीटें पाए इससे पहले इससे ज़्यादा पाए थे, जब CA NRC शाहीन बाग नहीं था तो 67 पाए थे, अभी तो 63 पाए हैं। ये NRC के बारे में आप समझ लीजिए कन्फ्यूजन बहुत है। NRC आसाम के अलावा पूरे हिंदुस्तान में भी अनाउंस नहीं हुई। CA जो एक्ट है वो फॉरेन एक्ट है, हिंदुस्तान से लगी हुई कंट्रियाँ जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैं, वहाँ से आने वाले जो मजहबी आधार पे उन्हें उत्पीड़न वहाँ झेलना पड़ा है उनको नागरिकता देने का कानून बनाया है इन्होंने, CA ये है। NRC का भी अलाउंस नहीं हुआ है। एक्चुअली में एक है NPR ज़्यादा प्रचारित नहीं हुआ, सबसे डेंजरस और ख़तरनाक है NPR, जो मोदी गवर्नमेंट ने अपना एडिशनल उसमें से ऑप्शन जोड़ दिए हैं, जो कि 2010 और 15 में है, कोर्ट में रिट है, 184 रिट हो चुकी है, कोर्ट को उसमें निर्णय देना है। कोर्ट ने मध्यस्थता करने के लिए कुछ लोगों एक कमेटी बनाई है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है मध्यस्थता का। नया जैसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा, तो क्या इसी कोई जानकारी आपको? नहीं, हमारे देश में असल में क्या है, भेड़ चाल चल रही है, सब लोग CA NRC पे चल रहे हैं। NRC अभी अनाउंस ही नहीं हुई है, CA इंडियन सिटीजन से उसका कोई लेना देना नहीं है। असल लड़ाई NPR पे लड़ना चाहिए, NPR पे लोगों ने रिट नहीं किया है, NPR के एडिशनल क्वेश्चन पे बहस नहीं हो रही है। NPR द फर्स्ट स्टेप NRC है, NRC जब भी आएगी वो NPR के डाटा से आएगी, तो लड़ाई NPR पे लड़ना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा हुआ, क्या इसी मुद्दे पर हुआ कि कोई और? पहले दिन तो इस मुद्दे पे हुआ था, आने दिन अभी तो दूसरे मुद्दे लाइन ऑर्डर पे चल रहा है, पुलिस उत्पीड़न पे चल रहा है, CA NRC NPR के प्रोटेस्ट करने वाले जो जेल गए थे, गोलीकांड हुआ था, 22 लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ 1 महीना हो गया है इस प्रोटेस्ट को जो यहाँ चल रहा है, लेकिन मैं एज अ कैंडलगढ़ मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि मैं अपने घंटाघर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है मैं वहाँ प्रोटेस्ट में थी। और हमारा मेरा खुद का प्रोटेस्ट एक अलग किस्म का था, जैसे कि मैं अपने हाथ पे मैंने कंटिन्यूसली
तकरीबन 15 दिन मैंने हाथ पे कैंडल बर्न करी हैं, जिससे कि मैं उसने मुझे वहाँ से नाम मिला एज अ कैंडल। देखिए गवर्नमेंट थोड़ा सा तो झुकी है और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को पूरा झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम आवाम हैं, हम जनता हैं, हमने गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट ने हमें नहीं बनाया। तो वो जो हमारे ऊपर एक नए करके कानून ला रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि मेरा हक है कि मैं आपसे पूछूँ आप क्या खाते हो, आप कितने का खाते हो, आप कितने का पहनते हो, ना कि वो हमसे पूछें कि आप कौन हो, आपके पिता कौन हैं, कि आप, हम देशवासी हैं। मैं तो कहूँगी कि हमारे देशवासी का होने का सबूत अगर आप मांगते हैं तो ताजमहल को देखिए, तो कुतुब मीनार को देखिए, तो आप इमामबाड़े देखिए, आप घंटाघर को देखिए, आप इतनी सर कितने हम आपको देशवासी होने का सबूत। गवर्नमेंट अभी तो एक साल ही हुआ है पुलवामा का अटैक हुए, और उस पर आपने उस चीज़ के मतलब एक छोटी सी बात, जो एक नॉर्मल सा इंसान उस गाड़ी का नंबर और उस गाड़ी का पता लगा सकता है कि उसमें कौन था या किस तरह था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं निकाला। तो ये वही बात हो गई, खुद का काम वो कर नहीं पाते हैं और नए नए कानून निकाल के जनता को परेशान करते हैं। आप पहले खुद का काम कीजिए, तब आप जनता पे कोई काम कानून निकालिए कि जनता ये करे। पहले आप खुद को मुकम्मल कीजिए, पहले आप खुद को सही कीजिए, पहले आप खुद को ठीक कीजिए, पहले आप खुद में परफेक्शन लाइए। लेकिन ये परफेक्शन हमारे मोदी गवर्नमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें खुद पता नहीं कि करना क्या है। उनकी सरकार अनपढ़ की सरकार है, मैं कहती हूँ उनकी, आई एम सॉरी टू से, बट उनकी सरकार अनपढ़ की सरकार है। मेरा मानना है, जिस तरह से वो एक जनाब ने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मैं कहती हूँ इन अनपढ़ सालों को स्कूल भेजो। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर जो केजरीवाल जी जीते हैं वो अपनी मेहनत, अपने काम और अपने लगन से जीते हैं। उन्होंने कोई भी नारा हिंदू मुस्लिम का नहीं लगाया, उन्होंने कोई भी नारा मस्जिद मंदिर का नहीं लगाया, उन्होंने कोई भी नारा धर्म के आधार पर नहीं बांटा। उन्होंने नारा लगाया, उन्होंने काम किया, उन्होंने जनता को दिखाया और जनता ने उन्हें जिताया। और अगर यही हमारी सरकार बीजेपी करने लगे, अगर बीजेपी जनता के, अपने जनता के काम के आधार पर जनता का दिल जीते, जनता को काम दिखाए, तो मैं खुद कहती हूँ कि मैं बीजेपी को वोट देने वाली पहली इंसान। चुनाव कहीं का भी हो, बीजेपी को बस यही मेरा एक कहना है, एक रिक्वेस्ट है कि आप काम के आधार पर बात कीजिए, आप धर्म के आधार पर मत जाइए। आप जो कितना काम करेंगे आप उसका परिणाम पाएंगे। हमने आपको काम के लिए बनाया है, हमने आपको मूर्तियां बनाने के लिए नहीं बनाया, हमने आपको बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए नहीं बनाया। आपने एक गुजरात में इमारत बना दी, मैं पूछती हूँ उसमें जितना करोड़ रुपया लगा, क्या उस करोड़ रुपये से क्या लाखों घर ना बस जाते? आज जो गरीब अपनी सुसाइड कर रहा है, अभी रिसेंट में एक केस आया कि एक फैमिली ने, पूरी फैमिली ने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि इनकी गरीबी, एक GDP इतना ज़्यादा नीचे जा रहा है, इस कदर गरीबी हो रही है, इस कदर अनपढ़ हो रहे हैं लोग, इस कदर जॉबलेस लोग हो रहे हैं कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हैं। मैं भी कल की बात बताती हूँ, रिसेंट बात बताती हूँ कि ट्रंप के आने की तैयारी में आपने करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए। ट्रंप आ रहे हैं तो आपने करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ट्रंप में फ्लावर्स की डेकोरेशन ज़रूरी थी या हमारे देश के जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनकी जान ज़रूरी थी? लेकिन हमारे मोदी जी को ट्रंप के आने पे फूल बरसाए। लेकिन हमारे देश में जो लोग मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, आज हमारे यहाँ कितना बेरोजगार बढ़ता जा रहा है, आज हमारे यहाँ सुसाइड लोग कितना ज़्यादा कर रहे हैं, किसान अपने हर एक चीज़ से परेशान है, जो जितना गरीब था वो दिन पर दिन उतना ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी कि पहले आप इस चीज़ को रोकिए। और आप बात करते हैं अच्छे दिन की, मोदी जी आप बात करते हैं अच्छे दिन की, आप नहीं लाओगे अच्छे दिन हम लाएंगे। और 2014 से जो आप मन की बात करते आए हो, तो अब आओ और हमारे मन की बात सुनो कि जनता के मन की बात क्या है, और तुम्हें हमारी बात सुननी होगी।